हाय फ्रेंड्स, आज हम समास के बारे में अध्ययन करेंगे। समास को अंग्रेजी में कंपाउंड कहते हैं। तो उसके पहले कुछ जानकारी देना चाहेंगे आप लोगों को। आपको स्क्रीन पे एक ऐसा आइकॉन दिख रहा होगा सब्सक्राइब, तो इस पे आप क्लिक कर दें। इसको क्लिक करने से फ़ायदा होगी, आप इस चैनल से जुड़ जाएंगे, ठीक है। और आप कोई भी वीडियो इस चैनल का मिस नहीं कर पाएंगे। वैसे आपको ढूंढना पड़ेगा कि चैनल कहाँ गया, क्योंकि यूट्यूब पे एक नाम से कई सारे चैनल्स होते हैं। तो इसको मिस ना करें, इसलिए जो इसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, इसको व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर करके ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाएं जिनको हिंदी व्याकरण की ज़रूरत है, ठीक है। तो दूसरे लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा पाएं, इसलिए वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। तो हम स्टार्ट करते हैं समास यानी कंपाउंड। तो इसकी परिभाषा देखते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से बने शब्द को समास कहते हैं, ठीक है। जैसे देखते हैं उदाहरण, कार्य धन कुशल बराबर कार्य कुशल। कार्य कुशल का अर्थ है कार्य में कुशल, ठीक है। तथा इन दोनों शब्दों को जोड़ने वाला में शब्द है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कार्य में कुशल, कार्य कुशल का अर्थ क्या है, कार्य में कुशल। इनको में शब्द जो है जोड़ रहा है दोनों को, जिसका समास होने पर लोप हो जाता है। जब हम इसका समास बनाते हैं तो ये में शब्द का लोप हो जाता है, ठीक है। समास शब्द सम उपसर्ग लगाकर अस धातु से बना है, ठीक है। फिर से देखिए इस लाइन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समास शब्द सम उपसर्ग लगाकर अस धातु से बना है और इसका प्रायः वही अर्थ है जो संक्षेप शब्द का होता है, ठीक है। अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों को इस प्रकार साथ रख देना कि उनके आकार में कमी हो जाए तथा अर्थ भी पूर्ण विदित हो, ठीक है। तो हम दो शब्दों को आपस में ऐसे जोड़ें कि उनका अर्थ ना बदले, ठीक है, और वो शब्द जो हैं छोटे हो जाएं, तो उसी को जो हम क्या कहते हैं, समास। जैसे उदाहरण देखते हैं, ज्ञान सागर अर्थात ज्ञान का समुद्र, ठीक है। इस उदाहरण में ज्ञान सागर इन दो शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले संबंध कारक का प्रत्यय का लोप होने से ज्ञान सागर एक स्वतंत्र शब्द बना है, ठीक है। हमने पिछले वीडियो में देखा था कारक के बारे में, ठीक है। तो जो संबंध कारक होता है उसमें उसका जो है का की के, ठीक है, विभक्ति से पहचान करते हैं, ठीक है। तो संबंध कारक जो होता है उसकी उसका पहचान क्या होता है, का की के विभक्ति, ठीक है। तो संबंध कारक के का प्रत्यय का लोप हो जाने से ज्ञान सागर एक स्वतंत्र शब्द बन जाता है, ठीक है। तो ये भी समास बन गया, ज्ञान और सागर मिलके, यानी कि ज्ञान का सागर यानी ज्ञान का समुद्र, ठीक है। तो समास के भेद पे हम चर्चा करते हैं। तो समास के कुल छह भेद होते हैं, ठीक है। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास और पांचवा है द्वंद्व समास और छठा है बहुव्रीहि समास, ठीक है। तो हम पहले का अध्ययन करते हैं अव्ययी भाव समास का। तो इसकी परिभाषा क्या है, जिस समास का पहला पद अव्यय और दूसरा पद संज्ञा होता है, ठीक है। फिर से सुनिए एक बार, जिस समास का पहला पद अव्यय और दूसरा पद संज्ञा होता है तथा समस्त पद में पहले पद की प्रधानता होती है, अव्ययी भाव समास कहलाता है। इस समास में पूरा शब्द क्रिया विशेषण के अर्थ में व्यवहित होता है, ठीक है। उदाहरण देखते हैं, जैसे प्रतिदिन यानी कि इसका अर्थ होता है दिन दिन, ठीक है। यथाशक्ति यानी कि शक्ति के अनुसार, सपरिवार यानी कि परिवार सहित, आजन मतलब जन भर, ठीक है, सानंद यानी कि आनंद सहित, यथारुचि यानी कि रुचि के अनुसार। अगला समास है तत्पुरुष समास, ठीक है। तो जिस समास का अंतिम पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं, ठीक है। तो जिस समास का अंतिम पद जो है प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। कर्ता कारक और संबोधन को छोड़कर शेष सभी कारकों में विभक्तियां लगाकर इसका समास विग्रह करते हैं, ठीक है। तो कर्ता कारक और संबोधन को छोड़कर शेष सभी कारकों में विभक्तियां लगाकर
इसका समास विग्रह करते हैं। जैसे एक उदाहरण देखते हैं कैसे समास विग्रह करते हैं। तो यश प्राप्त यानी कि यश को प्राप्त, ठीक है। सुखप्रद यानी कि सुख दे को देने वाला, ठीक है। जन्मांध यानी जन्म से अंधा। जलमग्न यानी कि जल में मग्न। आप बीती यानी कि अपने पर बीती, जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कारक में। तो कर्ता कारक जो होता है वो क्या होता है, ने, और संबोधन कारक जो होता है हे अरे, ठीक है। तो ने और हे अरे को छोड़कर जो है सारी चीजें यहाँ पे आ गई, ठीक है। जैसे कि ये को, ठीक है, यश को प्राप्त, तो ये कर्म कारक है, ठीक है। यहाँ भी कर्म कारक आ गई, ठीक है। और जैसे ये है जन्म से, तो यहाँ से जो है ये करण कारक है, ठीक है। तो ऐसे ही ये सारे हैं, इनका समास विग्रह करते हैं, ठीक है। तो कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़ के जो है से सभी कारकों में विभक्तियां लगाकर इसका समास विग्रह करते हैं। किसका? तत्पुरुष समास का। अगला है कर्मधारय समास, ठीक है। तो इसकी परिभाषा क्या होती है, जिस सामासिक शब्द में उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है। जिस सामासिक शब्द में उत्तर पद प्रधान होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं, ठीक है। इसमें पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष होता है, ठीक है। ध्यान से सुनिए एक बार फिर से। इसमें जो पूर्व पद होगा वो विशेषण होगा और उत्तर पद जो होगा वो विशेष से होगा, ठीक है। जैसे उदाहरण देखते हैं, नील कमल, ठीक है। तो नील कमल का मतलब होता है नीला है जो कमल, ठीक है। महात्मा यानी कि महान है जो आत्मा। पुरुषोत्तम यानी कि पुरुषों में उत्तम। चरण कमल, कमल के समान चरण। चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुख, ठीक है। चंद्रमुख जो है मतलब इसका होता है चंद्रमा के समान मुख। अगला है द्विगु समास, ठीक है। तो इसकी परिभाषा क्या होती है, जिस सामासिक शब्द का प्रथम पद संख्यावाची होता है और अंतिम पद संज्ञा, उसे द्विगु समास कहते हैं, ठीक है। तो ये बहुत बार बार एग्जाम में आता है, द्विगु समास का जो है एग्जाम्पल पूछ लेता है कौन सा समास है पहचानिए, ठीक है। तो इसका जो है परिभाषा दिमाग में रखिए, सबसे आसान समास यही है, बार बार बोलने का दिक्कत भी नहीं होता इसमें, कि इसका जो प्रथम पद होता है वो संख्यावाची होता है, ठीक है, और अंतिम पद संज्ञा होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा हमेशा कि पहला पद अगर जो है संख्यावाची है और जो अंतिम पद है वो संज्ञा है तो द्विगु समास है। इसका हम उदाहरण देखते हैं, जैसे त्रिदेव, ठीक है। त्रिदेव का मतलब है तीन देवताओं का समूह, ठीक है। तो इसमें तीन, देखिए पहला पद जो है संख्यावाचक है, ठीक है। चौमासा, 4 महीने का समूह, ठीक है। पंचवटी, 5 वटों का समूह। सप्तसदी, 7 पदों का समूह। सप्तपदी, सॉरी, सप्तपदी जो है 7 पदों का समूह। चौराहा, 4 राहों का समाहार। ये बार बार एग्जाम में आता है कि चौराहा में कौन सा समास है, तो इसको आप मत भूलिएगा कभी भी, कि चौराहे चौराहा जो है उसमें द्विगु समास है, ठीक है। तो अगला समास है द्वंद्व समास, ठीक है। तो द्वंद्व समास जो है इसकी परिभाषा क्या होती है हम देखते हैं, जिस सामासिक शब्द में दोनों पद प्रधान हो तथा दोनों पद संज्ञाएं अथवा विशेषण हो वह द्वंद्व समास कहलाता है, ठीक है। फिर से देखते हैं एक बार परिभाषा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस सामासिक शब्द में दोनों पद प्रधान हो तथा दोनों पद संज्ञाएं अथवा विशेषण हो वह द्वंद्व समास कहलाता है, ठीक है। इस समास का विग्रह करने के लिए दो पदों के बीच और अथवा या जैसा योजक अव्यय लिखा जाता है, ठीक है। तो ये जो समास होता है द्वंद्व समास, ठीक है, अगर इनका हम विग्रह करते हैं तो दोनों शब्दों के बीच में या तो और आएगा या तो या शब्द आएगा, ठीक है। तो जैसे कि हम कुछ विग्रह करके देखते हैं, जैसे राम कृष्ण, ठीक है। तो राम कृष्ण का विग्रह कर, तो यहाँ जो है राम और कृष्ण हो जाएगा, ठीक है। दाल रोटी, ठीक है, दाल और रोटी। पाप पुण्य,
पाप या पुण्य, ठीक है, भला बुरा, भला या बुरा, ठीक है, कंद मूल यानी कंद और मूल, ठीक है, समास का छठवां भेद है बहुव्रीहि समास, ठीक है। तो हम देखते हैं बहुव्रीहि समास क्या होता है, इसकी परिभाषा है, इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है बल्कि दोनों शब्द मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। देखिए इसको भी याद रखना बहुत ही आसान है कि जिसका कोई भी पद प्रधान नहीं है वो बहुव्रीहि समास है, ठीक है। जैसे उदाहरण देखते हैं, नीलकंठ, ठीक है, तो न तो नील प्रधान है न तो कंठ प्रधान है, दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, नील है कंठ जिसका, अर्थात शिव, ठीक है, तो नीला है कंठ जिसका जो है भगवान शंकर हो गए, ठीक है। अगला उदाहरण है दुरंगा, मतलब दो रंगों वाला, निर्जन, निकल गए जन जहां से, ठीक है, तो नहीं कहते ये निर्जन स्थान है यहाँ, जैसे कोई सारे जन जो है निकल गए, सन्नाटा है यहाँ पे, कोई रहता ही नहीं है, तो ये निर्जन, तो निर्जन का अर्थ क्या होता है, निकल गए जन जहां से। चक्रपाणी, ये भी बहुत बार बार एग्जाम में पूछा है, पूछता है कि चक्रपाणी में कौन सा समास है, तो चक्रपाणी में बहुव्रीहि समास है, ठीक है, क्योंकि यहाँ न तो चक्र प्रधान है तो पाणी प्रधान है, दोनों मिलकर जो है एक नया शब्द बना रहे हैं, ठीक है। तो चक्र है हाथ में जिसके, उसकी बात हो रही है चक्रपाणि। अगला उदाहरण है बड़ बोला, ठीक है, तो बड़ बोला का अर्थ होता है बढ़ चढ़कर बोलने वाला, ठीक है, तो जो बढ़ चढ़कर बोलता है उसे बड़ बोला कहते हैं, ठीक है। अगला उदाहरण चतुर्भुज, ठीक है, चतुर्भुज यानी कि चार हैं भुजाएं जिसकी, ठीक है, चार हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु, ठीक है, त्रिनेत्र, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के दृष्टिकोण से, चतुर्भुज इसमें सारे के सारे एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। तो त्रिनेत्र यानी कि तीन हैं नेत्र जिसके, अर्थात शंकर। लंबोदर, ठीक है, यानी कि लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश की बात हो रही है, ठीक है। तो दोस्तों बहुव्रीहि समास यहीं समाप्त होता है, एक बार फिर से बताना चाहूँगा, चैनल पे जो सब्सक्राइब आइकॉन है इस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, इसको व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर करें ताकि और भी लोग इस वीडियो का लाभ उठा लें, ठीक है। ओके, धन्यवाद।